एक और जहां श्रीलंका में इस वक्त आर्थिक संकट बना हुआ है, तो श्रीलंका का क्रिकेट भी इस वक्त खेला जा रहा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा कर रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला गाले में खेला जा रहा है और मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले प्रभात जयसूर्या पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रभात जयसूर्या ने डेब्यू किया था और उन्होंने डेब्यू के साथ ही कमाल किया और अब पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने इतिहास रच दिया। बता दें कि पहले मुकाबले में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और टीम 222 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के लिए पहली पारी में दिनेश शांतिमाल ने 76 रनों की पारी खेली, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। वहीं बात करें अगर पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी की तो पहली पारी में शाहिन शाह अफरीदी ने 4 विकेट चटकाए, वहीं हसन अली को 2 विकेट मिले। इसके अलावा यासिर शाह ने भी टीम के लिए 2 विकेट चटकाए, वहीं नसीम शाह और साथ ही मोहम्मद नवाज को भी 1-1 विकेट मिला। श्रीलंका की टीम 222 रनों पर सिमट गई और इसके बाद पाकिस्तान की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी। बता दें कि पाकिस्तान को लगातार झटके लगे, जिसके बाद कप्तान बाबर आजम ने पारी को संभाला। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए पहली पारी में शतक लगाया और 119 रन की शानदार पारी खेली। बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी 20 रन या उससे अधिक भी नहीं बना पाया। आपको बता दें कि श्रीलंका के लिए पहली पारी में शानदार गेंदबाजी की प्रभात जयसूर्या ने। पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 218 रनों पर सिमट गई और श्रीलंका को 4 रनों की बढ़त मिली। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा प्रभात जयसूर्या का। प्रभात जयसूर्या की बात करें तो उन्होंने 39 ओवर में 10 ओवर मेडन डाले, साथ ही 82 रन देकर 5 विकेट चटके। प्रभात जयसूर्या ने पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, जिनमें अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, मोहम्मद नवाज, शाहिन शाह अफरीदी शामिल रहे। इसके अलावा श्रीलंका के लिए 2 विकेट महिषा तीक्ष्णा ने, 2 विकेट रमेश मेंडिस ने चटकाए, वहीं कासुन रजिता को भी 1 विकेट मिला। बात करें अगर श्रीलंका की दूसरी पारी की तो दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 36 रन बना लिए हैं और टीम का 1 विकेट गिर चुका है। बहरहाल अब लौटते हैं प्रभात जयसूर्या पर। प्रभात जयसूर्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था, उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही डेब्यू टेस्ट में 12 विकेट चटकाए थे। उन्होंने पहली पारी में 6, दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाकर इतिहास रचा था। आपको बता दें कि 31 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था, जिनमें उन्होंने दोनों पारियों में 6-6 विकेट चटकाए थे और अब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी 5 विकेट चटका लिए हैं और प्रभात जयसूर्या ने इसी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल प्रभात जयसूर्या लगातार 3 पारियों में 5 या उससे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे श्रीलंकाई स्पिनर बन गए हैं। इसके अलावा डेब्यू टेस्ट की लगातार शुरुआती 3 पारियों में 5 या उससे अधिक विकेट लेने वाले वह दुनिया के केवल तीसरे गेंदबाज बने हैं। आपको बता दें कि साल 1926 में आखिरी बार कैलरी ग्रिमेट ने यह रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद अब साल 2022 में प्रभात जयसूर्या ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है। 96 साल का यह रिकॉर्ड प्रभात जयसूर्या ने तोड़ा है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ कि टेस्ट करियर की शुरुआती 3 पारियों में किसी खिलाड़ी ने 5 या उससे अधिक विकेट चटकाए हो। प्रभात जयसूर्या ने क्रिकेट के 96 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया और अपना खूंटा गाड़ दिया। बहरहाल अब तक वह 2 मैचों की 3 पारियों में 17 विकेट चटका चुके हैं। अभी देखने वाली बात होगी वह किस तरीके से अपनी लय को बरकरार रखते हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।